हेलो नमस्ते, लर्निंग स्कूल फॉर किड्स पीयू ट्राइज में आपका स्वागत है। हमारा आज का वीडियो है कि बच्चों को हिंदी की मात्राएं कैसे सिखाएं। हम बच्चों को हिंदी मात्राएं कैसे समझाएं कि उन्हें बहुत जल्दी तुरंत समझ में आ जाए, तो मेरा आज का वीडियो उस पर है। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब बटन के बगल बेल बटन से जरूर क्लिक करिए, जिससे मेरी आने नए वीडियो के बारे में आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहले हम बच्चों को ये बताएंगे कि जो स्वर है वो छोटा आ, बड़ा, छोटी, बड़ी, ये स्वर होते हैं, ये व्यंजन होते हैं। ये LKG में ही बच्चों को पढ़ा दिए जाते हैं स्वर और व्यंजन। ठीक है, स्वर क्या होते हैं? स्वर जिनकी मात्राएं लगती हैं, मतलब जो मात्राएं जो बनती हैं वो स्वर की बनती हैं। छोटा बड़ा इनकी जो मात्राएं बनती हैं वो स्वर की बनती हैं। और व्यंजन वो होते हैं जिन पर ये मात्राएं लगाई जाती हैं, उनको बोलते हैं व्यंजन। जैसे क ख ग घ, यहाँ पर मैंने से एक ही लेटर लिया है, क ख क लिया, ताकि जब मैं उन पर मात्राएं लगाऊं तो बच्चों को पता हो कि ये पूरे उस पर लगता है। ऐसा नहीं कि क पे छोटा, क पे क लगेगा, फिर क पे बड़ा लगेगा, ख पे दूसरा। इसलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ एक ही लेटर लिया है उनको समझाने के लिए। ठीक है, तो चलिए हम बच्चों को कैसे समझाएंगे। पहले तो आपको ऐसे चार्ट बना लीजिए, या आपको जैसा सही लगे वैसे समझाइए। मैं आपको बस बता रही हूँ कैसे उनको समझाएंगे हम। आ है छोटा आ, अ कैसे बोलते हैं आपको, अ। आ में छोटा आ में कोई मात्रा नहीं लगती है, साइलेंट होता है, इसलिए हम यहाँ पे कोई मात्रा नहीं लगाएंगे, इसको हम बोलेंगे क। और जब हम स्वर शब्द में बनाना है तो हम यहाँ लिखेंगे क म ल कमल। इनका यूज करके इसमें दो तीनों छोटा आ है, मतलब कि छोटी आ की मात्रा लगी है, आ साइलेंट है इसमें। अब बड़ी आ की मात्रा क्या होती है, ये होती है बड़ी आ की मात्रा, इसको हम बोलते हैं आ। तेजी से बोलेंगे, पूरा मुंह खोल के हम बच्चे को बोलवाएंगे आ। ठीक है, तो जब बड़ा की मात्रा का पे लगेगी तो हो जाएगा का, का। और इसका प्रोनाउंसिएशन बच्चे से जरूर कराइए, जब बड़ी आ की मात्रा लगी तो बोलवाइए का। से छोटा आ था क, बड़ा का, तो शब्द बनेगा का न, का न। न में कोई मात्रा नहीं है इसलिए इसको हम धीमे बोलेंगे ना। छोटी की मात्रा कैसे लगेगी, छोटी की मात्रा इधर से लगाई जाएगी। ठीक, ई, ये होगी छोटी की मात्रा ई। तो का पे जब छोटी की मात्रा लगेगी तो हम उसको कहेंगे की, की। तो ये हो जाएगा की, किला, की ला। की छोटी की मात्रा है ला, ला में बड़ा की मात्रा, की ला, की ला। जितना हम बड़ी की मात्रा बताएंगे बच्चों को, बड़ी की मात्रा इधर से लगेगी। तो का में जब ये का हो गया, का में हम बड़ी की मात्रा लगाएंगे की। इसका उच्चारण बच्चों से जरूर कराएंगे, ये बहुत जरूरी होता है उनको, तभी उन्हें समझ में आएगा कि किसमें छोटी की मात्रा लगी है, किसमें बड़ी की मात्रा लगी है। ठीक है, तो की, तो हो जाएगा की लो, की लो, लो पे कोई मात्रा नहीं है तो ये लो। अब हम छोटा ओ, छोटा की मात्रा नीचे से ऐसे लगाते हैं। ठीक, छोटा ओ, तो हो जाएगा उ, इसको हम बोलेंगे उ। कु, 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 कुल, कुल, कु, मैं छोटा सा था कुल। ठीक है, प्रनाउच्चारण जरूर करवाइए बच्चों से, बड़ा की मात्रा हम लगाएंगे ऐसे कु, लंबी आवाज में बोलेंगे कु। ठीक है, तो ये हो जाएगा कूल, कूल मतलब होता है ठंडा, कूला। ठीक, री,
री में छुट मात्रा लगेगी सिर्फ नीचे ऐसे, ठीक। तो इसको मिलेंगे री। तो का में जब हम री की मात्रा लगाएंगे तो ये क्री, का में री की मात्रा क्री, तो क्री को बोलेंगे, क्री की सेंटेंस बनाएंगे, क्रिसी, क्री सी, क्रिसी, ये बड़ी की मात्रा है क्रिसी, ठीक है। ए, ए की मात्रा लगेगी ऊपर से ए, तो का पे की मात्रा के, ए का के, तो हो जाएगा के ला, के ला, का पे ए की मात्रा है के ला, ला बड़ा, ला बड़ा की मात्रा लगाएगी यहाँ पे। अब ए, ए, अब ए की मात्रा लगाएंगे का पे, तो हो जाएगा काए। ये ए की मात्रा यहाँ पे हमने दो इसलिए लगाई कि एक तो हमारा ये ए था, ये हमारा यहाँ पे ऐसे एक आ गया, एक ये है ए इसका लगेगा ये, और एक ये जो ऊपर ये लगा हुआ इसका। बच्चों को ऐसे समझाएंगे आप तो सबको समझ में आएगा कि एक ये इसका ये रहेगा और इसके ऊपर जो एक लगा हुआ उसको काए, तो हो जाएगा काए, तो इसको हम कहेंगे काए, काए, तो ठीक है। तो ऐसे आप एक चार्ट बना लीजिए बच्चों को समझाने के लिए। ये आप जब उसे जब भी कोई जैसे हिंदी शुरू में पढ़ाना स्टार्ट करें, वो मात्राएं पढ़ा लिए, तो ये चार्ट बना रहेगा, तो आप जैसे बुक चार्ट पर चार्ट लेके बैठ गए। अब बच्चे को अगर छोटी की छोटी की मात्रा लगानी है तो आप इसको उससे तो पूछे कहाँ है छोटी की मात्रा, तो ये ऐसे लगी है, तो क्या प्रोनाउंस करते हैं की, तो ऐसे इधर इस साइड लगेगा, तो बोले कि ला, तो ऐसे आप उसको समझा सकते हैं, ठीक है। अब आ गया ओ, ओ में ओ की जो मात्रा है ये लगेगी सिर्फ लास्ट की, हाँ हट जाएगा और ये मात्रा लगाएंगे हम ओ, तो यहां भी हो जाएगा को, इसको प्रोनाउंस करेंगे को, हो जाएगा कोरा, कोरा, ठीक है कोरा। आओ, तो अब आओ में लगाएंगे हम आओ, सॉरी आओ में हम लगाएंगे औ की मात्रा, ये एक लंब ऊपर एक लाइन खींची गई है तो ये हो गया ओ, जब दो लाइन खींचेंगे तो हो जाएगा आओ। तो बच्चों को वैसे क्लियर करके बताइए आओ, उच्चारण जरूर करवाइए पढ़ाते वक्त काओ, तब हो जाएगा इसको हम बनाएंगे कौन को, कौन क, तो इसमें सिर्फ बिंदी रहेगी, ये जो बिंदी ऊपर लगी हुई है उसको बस बिंदी लगाएंगे, तो यहाँ पे हम हो जाएगा कं, कं, मतलब ना आधा ना इसमें आता है, जो बिंदी लगी उसमें आधा ना छुपा होता है, तो इसको हम लिखेंगे कंगन, कंगन, ठीक है कंगन। आहा, आहा में भी सिर्फ लास्ट की दो बिंदी होती है, तो इसके लिए मैं सॉरी चाहूंगी क्योंकि मुझे ये का शब्द मुझे नहीं मिल रहा था, तो इसलिए मैं यहाँ पे इसको हटा के यहाँ पे मैं द लिख देती हूँ, दू, तो दू पे आगे आ जाएगा दो बिंदी, इसको बनाएंगे हम दुख, दुख, ठीक है। आप बच्चों को एक दिन में एक मात्रा सिखाइए, जैसे आपने बड़ा की मात्रा एक दिन सिखाई, दूसरे दिन छोटी की मात्रा सिखाई, ठीक है। तो जिस दिन अगर आप बड़ा की मात्रा सिखा रही तो उस दिन पूरा का, खा, गा, खा, चा, छा, ये पूरा जो इसका का जो पूरा ज्ञा तक होता है ज्ञा, इसको पूरा आप बड़ा आ के साथ सिखाइए। एक दिन आप इसको एक दिन डे वन में बड़ा आ के साथ सिखाइए, फिर दूसरे दिन दूसरे मात्रा के साथ सिखाइए, लेकिन जो का की जो पूरे जो अक्षर होते हैं उनके साथ सिखाएंगे, प्रोनाउंसिएशन उच्चारण अगर आप कराइए तो बच्चे बहुत जल्दी उसको सीख जाएंगे,
तो आप ऐसे ऐसे पूरा चार्ट बना के ऐसा मतलब बना के रखिए, और जब बच्चे को हिंदी पढ़ाइए तो उसमें से अगर उसे मात्रा नहीं आ रही है तो आपके लिए आसानी रहेगी उसको बताना कि छोटा ओ की मात्रा ऐसे लगेगी और इसके नीचे, और उसको कैसे प्रोनाउंस उच्चारण करेंगे कु। तो ऐसे अगर आप समझाएंगे तो उसको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।